सरकार के निर्देश पर अमृत कीड़ा महोत्सव का शुभारंभ कर दिया गया है। मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित इस कार्यक्रम में एमएलसी दिनेश प्रताप सिंह ने फीता काट कर कार्यक्रम की शुरुआत की। अमृत कीड़ा महोत्सव में अलग अलग खेलों से संबंधित खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। लंबी कूद, छोटी कूद, भाला फेंक, गोला फेंकना के साथ साथ जूडो, कराटे और कई तरह के खेल इसमें आयोजित किए जाएंगे। इसका उद्देश्य छोटे शहरों में ग्रामीण इलाकों में युवाओं के अंदर खेल के प्रति रुझान को पैदा करना, ताकि वह देश के लिए विदेश में मेडल जीत कर ला सके। कार्यक्रम में पहुंचे मुख्य अतिथि एमएलसी दिनेश प्रताप सिंह ने प्रतिभाग कर रहे बच्चों को शुभकामनाएं दी और उन्होंने कहा कि जो बच्चे इस छोटे से खेल के मैदान से निकलकर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बड़े खेल के मैदानों में पहुँचेंगे और रायबरेली जिले का नाम रोशन करेंगे, ऐसे बच्चों को हर संभव मदद का आश्वासन मैं देता हूं। हम आपको बता दें कि अमृत कीड़ा महोत्सव का आयोजन आज से शुरू हो गया है। इसी के चलते आज उसका शुभारंभ किया गया था, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में रायबरेली एमएलसी दिनेश प्रताप सिंह पहुंचे थे। सेवन के लिए मैं गौरव द्विवेदी अनुपम व विपिन के साथ। परिचय अगर अखबार के लोग जानेंगे तो मैं रायबरेली जनपद का एमएलसी हूँ और पूरे उत्तर प्रदेश में मैं बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी को हरा के अकेला उत्तर प्रदेश का कांग्रेस का एमएलसी दो दो बार से जीता हूँ। ये मेरा परिचय है और पिछले लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में इस जनपद से चुनाव लड़ा हूँ लोकसभा का, और सोनिया गांधी इस जनपद से अल्लाह अल्लाह करके दिल्ली गई हैं। यही मेरा परिचय है। अगर आपने परिचय पूछा है तो मैं बताना चाहता हूँ। फिलहाल मैं आज आज़ादी के 75वें वर्ष में रायबरेली के उप जिलाधिकारी कार्तिकेय सिंह द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में उपस्थित हुआ हूं बच्चों के हौसला अफजाई के लिए, और मैं शुभकामनाएं देता हूं अपने प्यारे बच्चों को, रायबरेली जनपद के उन बच्चों को जो आज इस क्रीड़ा में प्रतिभाग कर रहे हैं और विभिन्न विभिन्न खेलों में प्रतिभाग कर रहे हैं। ईश्वर करे उनको शक्ति दे, माँ दुर्गा उनको इतनी ताकत दे कि इस क्रीड़ांगन से निकल करके वो भारत के बड़े बड़े देश के बड़े बड़े स्टेडियम्स में खेले और रायबरेली जनपद का नाम करें, यही शुभकामनाएं देने के लिए मैं आज यहाँ उपस्थित हुआ। 2022 के चुनाव को लेकर के मैं स्पष्ट कह देना चाहता हूँ कि इस देश का ये सीनियर बालिका 400 मीटर और मोदी जी के नेतृत्व में देश में भारतीय जनता पार्टी की लहर चल रही है। ऐसा व्यक्तित्व, ऐसा चरित्र हिंदुस्तान को पहले नहीं मिला था मैं समझता हूँ, और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं जिनका प्रभाव भी निश्चित तौर से हम कह सकते हैं कि पहले से अधिक सीटें उत्तर प्रदेश में मिलेगी, और रायबरेली जनपद में 2022 में 6 विधानसभा जीत करके भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर से लखीमपुर खीरी में जो घटना हुई है वो निंदनीय है, ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए हैं, लेकिन कानून का राज उत्तर प्रदेश में है, जो दोषी होगा उसके खिलाफ उत्तर प्रदेश की सरकार प्रभावी कार्रवाई करेगी।